जो पार्टी के हित में काम करेगा वो पार्टी में बना रहेगा। निश्चित ही आज परिणामों की जरूरत है, वो कोई भी है। किसका नंबर होगा भविष्य तो भविष्य वक्ता बताएंगे। हम और आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं। जो सम्मेलन है आज, उन सम्मेलनों की वास्तविकता चुनावों के बाद सबके सामने आ चुकी है। सम्मेलन किस तरीके से हुए, सम्मेलनों में मंच पे जरूर ब्राह्मण नेता थे परंतु जनता में उनकी तादाद उतनी नहीं थी जितनी बहन जी को रिपोर्टिंग की गई, तो कहीं ना कहीं इसका भी बहन जी का माइंड में असर है। देखिए, नंबर किसी का भी आ सकता है, कोई भी अपने आप को पार्टी से ऊपर ना समझे, वो कोई भी है। आप ये देख रहे हो कि जो कभी BSP में बहन जी के राइट और लेफ्ट कहे जाते थे, आज वो पार्टी में नहीं है और जहाँ भी हैं वो उनकी अपनी जो भी उन्होंने जगह बनाई वो एक अलग विषय है। तो कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है और हम तो ये कहेंगे कि माननीय बहन मायावती जी सही निर्णय लें। सही निर्णय लेंगी तो पार्टी का भला होगा, पार्टी का भला होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। तो जो लड़ाई माननीय साहब कांशीराम जी ने शुरू की, उस लड़ाई को संबल मिलेगी, ताकत मिलेगी और वो लड़ाई जो है आर्थिक मुक्ति और सामाजिक जो न्याय की लड़ाई है उस वो लड़ाई आज कमज़ोर पड़ी है। BSP के कमज़ोर होने से सामाजिक मुक्ति और आर्थिक जो आर्थिक मुक्ति और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो निश्चित ही कमज़ोर पड़ी है। इसको मजबूत होना चाहिए, पार्टी मजबूत होगी तो ये लड़ाई मजबूत होगी कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणवाद जो आइडियोलॉजी है, मिसलीड करने वाली जो आइडियोलॉजी है, जो पाखंड को बढ़ावा देने वाली आइडियोलॉजी, जो असमानता को बढ़ावा देने वाली आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ कभी नहीं थी, आज भी नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ इसका जन्म हुआ है। तो निश्चित ही ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण इनको एक नज़रिए से देखने में मैं समझता हूँ हमको बचना चाहिए। भाई, इसका जवाब तो बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हमारा मानना यह है कि पार्टी में जो पार्टी हित के लोग हों उनको बने रहना चाहिए और जो लोग पार्टी के साथ किसी भी स्तर पर गद्दारी कर रहे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पार्टी से निकाला भी जाना चाहिए। तो ये पार्टी का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो पार्टी लीडर जो कर रहे हैं वो पार्टी के हित में कर रहे हैं। अच्छा, नकुल जो दुबे निकाले गए हैं, क्या ये गद्दारी कर रहे थे BSP में? भाई, ये तो मैं और आप हम कैसे तय कर सकते हैं कि वो पार्टी के लिए क्या कर रहे थे। पार्टी को कहीं से भी किन्हीं भी सूत्रों से जो भी जानकारी मिली होगी उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है। तो ये तो जिन्होंने ये फैसला लिया है बहन मायावती जी वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति, दलित कुल में जन्मा व्यक्ति या कहीं अन्य जगह जन्मा व्यक्ति में कई तरह की समानताएँ हो सकती हैं और कई तरह की असमानताएँ हो सकती हैं। एक ब्राह्मण बहुत अच्छा सामाजिक न्याय का पक्षधर व्यक्ति हो सकता है, वहीं दलित समाज में पैदा हुए होने वाले व्यक्ति भी आरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक मुक्ति की राह में रोड़ा अटकाने वाला भी हो सकता है। ये आप देख भी चुके हो, जो यशवीर सिंह अनुसूचित जाति से आते थे उन्होंने संसद में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया था और वो तो सांसद भी थे और सांसद भी एक ऐसी पार्टी से थे जो तथाकथित बहुजनों की पार्टी कुछ दिन तक कहलाई गई, अभी समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी की जाति और धर्म से हम उस व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन नहीं कर सकते। आज 14 अप्रैल के आसपास आपने सभी प्रमुख पार्टियों को देखा होगा और खासकर BJP को कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का छाती पीट पीट के तो तस्वीर लगवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनकी तस्वीर लगवा रही है, तो क्या वो अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही रिजर्वेशन जैसे मुद्दों के खिलाफ हुआ है और वो आज सबसे पहले गवर्नमेंट फ्रेम होते ही वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी, तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगने से अम्बेडकरवाद फैल गया? तो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाने से मनुवादी पार्टियों के द्वारा अम्बेडकरवाद नहीं फैल सकता, तो हम ठीक वैसे ही कह सकते हैं कि बहन मायावती जी यदि वर्ग विशेष के किसी भी सिंबल को हाथ में लेती हैं तो उससे मनुवाद भी नहीं फैल जाता। सब ड्रामा था कहने में, उनका भी इसको आप ड्रामा नहीं कह सकते। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक नेता राजनीति में सर्व समाज को साधने के लिए उनके प्रतीकों के नज़दीक जाते हैं।
एक हो गया प्रतीक और एक हो गई आइडियोलॉजी। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने चारों शासनकाल में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का काम किया, आर्थिक मुक्ति की दिशा में भी उन्होंने काम किया, और यहाँ तक भी जो सवर्णों में भी जो लोग हाशिए पर थे उनकी भी मुक्ति के लिए इस पार्टी ने काम किया। तो विचारधारा में कहीं कोई खोट नहीं है, लेकिन ये कि हमारे लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो दोनों तरीके से एक्साइट होते हैं। जब कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कसम खाता है, उनकी तस्वीर लेता है, तो भी फूले नहीं समाते, लट्टू हो जाते कि देखो फलां आदमी ने हमारे बाबा साहब का नाम ले दिया। वो तो बाबा साहब का नाम लेकर के कितनी अच्छी स्पीच दे रहा है, बाबा साहब का फोटो उसने तो अपने पीछे लगा रखा है, और कोई भी जय भीम बोल के इनको लूट के ले जाता है। दूसरी बात, इसके उलट यदि बहुजन समाज पार्टी में कहीं से भी दूसरे प्रतीक इनको दिखाई दे जाते हैं तो भी ये पागल हो जाते हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का भी कई बार काम कर लेते हैं। तो जो समझ है वो अपरिपक्व समझ है, कहीं ना कहीं हमको लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, भ्रमित करने का काम करना हमारा काम नहीं। तो आप चाहते हो कि बाबा साहब के नाम का नाटक होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? इस देश की कुल पॉपुलेशन का जो 25%+ चला जाता है अनुसूचित जाति के लोगों का, और उन पर लैंड 5% के आसपास भी नहीं है, तो कैसे इनकी मुक्ति होगी? फोटो लगाने से, नाटक करने से? एजुकेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ बैठे हुए हैं? कितने प्रिंसिपल हैं? कितने टॉप लीडर हैं? आप बताइए, सेक्रेटरी कितने हैं अनुसूचित जाति के लोगों की? उसमें जो है आपका किसी भी टॉप लेवल पर उपस्थिति कहाँ है? हम कहीं दिखाई दे रहे हैं? अनुसूचित जाति के लोग कहीं दिखाई दे रहे हैं? इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल क्या है? दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए उनको अब दूसरा टर्म उनका पूरा होने जा रहा है, इतने लंबे पीरियड में उन्होंने सेक्रेटरीट में कितने लोगों को शामिल किया, इसका जवाब उनसे लो। पंजाब में जो ये नाटक कर रहे हैं उसका उत्तर तो दिल्ली में ये दे रहे हैं, इसका उत्तर दिल्ली में दे रहे हैं। और जहाँ तक सवाल वोटों का सवाल है, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान लागू होने के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो बात कहते हैं वो रिमार्के की बात है, उसको हम सबको नोट करना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई आज वन वोट वन मैन वन वैल्यू का प्रिंसिपल आज लागू हो गया भारत के अंदर, राजनीतिक रूप से सभी लोग समान हो गए, जिसके 18 वर्ष की आयु होगी, कोई किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग समुदाय का व्यक्ति हो, वो समान रूप से ट्रीट होगा। वहीं उन्होंने ये कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भारी विषमता है, भारी गैर बराबरी है, इसको ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र तभी अच्छा चलेगा जब आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी समता लाई जाए। भाई आप जब बात करते हो कि भाई BSP से नेता निकाले जा रहे हैं और नए नहीं लिए जा रहे, नए किन नेताओं को लिए जाना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि नए किन नेताओं को लिए जाना चाहिए? भाई जब तक बहन मायावती जी को ये नहीं लगेगा कि हमें इस आदमी से काम लेना है, या उनके दूसरे नंबर के लोगों को नहीं लगेगा कि हमें इनसे काम लेना है, तब तक कोई कैसे पार्टी में आएगा? पार्टी में आने का रास्ता और पार्टी से जाने का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से है। हमारी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, पार्टी की नीतियों को लेकर के भी कई तरह की आपत्तियाँ, उनमें से एक आपत्ति ये है कि पार्टी बड़े लेवल पर जाकर के सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल का जो है फॉलोइंग कर रही है, जबकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील होनी चाहिए और पावर को जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाना चाहिए। देखिए पार्टी में जिसको भी जिम्मेदारी मिले, आकाश आनंद हो या कोई दूसरे पदाधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी को स्टैंड करने के लिए कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें, पार्टी की नीतियों को लोगों तक बताएं। पार्टी के विफल होने का मुख्य कारण लोगों तक पार्टी के विचारों का, पार्टी की नीतियों का ना पहुँचना है। आज माध्यम बदल गए हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी गाँव में डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करती थी, आज कैंपेन के माध्यम ही बदल गए हैं। पहले लोग समाचार पत्र पढ़ करके अपना माइंडसेट बनाते थे, आज यूट्यूब है, जिसको कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया को बहुजन मीडिया कहा जा रहा था, आज वो बहुजन मीडिया ना होकर के वो मीडिया भी इन लोगों के हाथों से चला गया है, और वो भी पेड मीडिया हो गया है। आप देखिए कि जो मीडिया ने जो नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव ने BJP को बम्पर वोट दिलाया, बहुजन समाज पार्टी इन नैरेटिव को क्रैश करने में नाकामयाब रही। जो ब्राह्मण जाति से आ गया तो ब्राह्मण नेता हो गया? ब्राह्मण नेता, दलित नेता, पिछड़ा नेता,
अरे नेता तो वो होता है जिसके पीछे जनता होती है। आप कोई ऐसा नाम बताइए ना कि जो किसी समुदाय से आता हो और उसकी अपने समाज में पकड़ हो, फैन फॉलोइंग हो, वो चुनाव जीत सकता हो और चुनाव 10-20-50 लोगों को चुनाव जितवा सकता हो, पार्टी में 10-20-5% की 2-1-2% की जो है वोटों में वृद्धि करवा सकता हो, अब तब तो वो कहोगे कि ये फला समाज के व्यक्ति नेता है, फला समाज का नेता है। कैसे आपने कह दिया? कौन प्रमाणित करता है कि फला जो ब्राह्मण नेता है, फला दलित नेता है? इन शब्दावलियों से हमको बचना चाहिए। समाज के नेता होते हैं, निश्चित तौर पर नेता होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने समाजों में जिस समाज से जिस जाति से वो संबंध रखते हैं, यदि उन्होंने उन समाजों में कोई अपना प्रभाव बनाया है, उसको मूवलाइज कराने में वो सक्षम है अपनी पार्टी के लिए या जहाँ भी वो हैं, मायावती हैं ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बिल्कुल हैं, निश्चित ही हैं, निश्चित हैं। लेकिन आप जिन लोगों को बोल रहे हो कि भाई वो फला 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 जाति का नेता, जाति का नेता होने से तात्पर्य है कि क्या वो उस जाति को मोबिलाइज करा पा रहा है? आप बताइए, कोई भी ब्राह्मण नेता, न केवल बहुजन समाज पार्टी में बल्कि कांग्रेस में ब्राह्मण नेता है, समाजवादी पार्टी में भी है, तो क्या वो ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी से विमुख कर पा रहे हैं आज की डेट में? आप कहीं भी किसी भी स्टेट का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हो। आज आप ये समझ लो, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ने ये बता दिया कि यदि लोग टेलीविज़न चैनल के आधार पर वोट करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला नहीं है।